अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर YouTube चैनल। और हमारे साथ इस वक्त ये एंजॉयमेंट है, शुरू इंट्रोडक्शन करने दे मुझे, हमारे साथ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फास्टेस्ट बॉलर इन हिज टाइम, ये दोनों फास्टेस्ट बॉलर थे और मैं लकी हूँ कि इन दोनों के बीच में खड़ा हूँ। अब आप बोले बीच में भी खड़े थे, हमारे पीछे भी खड़े थे क्योंकि सारी बॉल इन्होंने पकड़ी है। लेकिन भाई आपको बहुत मुबारक हो, आप पाकिस्तान टीम के द्वारा हिस्सा बने हैं। राशिद भाई पहले भी एक क्रिटिक्स की शुरुआत में पाकिस्तान टीम के साथ रहे, कप्तान भी रहे, टीम बिल्डिंग भी करते रहे। अब लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इस दफा व्हाट यू गोना डू समथिंग डिफरेंटली कि हमारे पास ऐसे वकार यूनिस आ जाएं दो तीन जो इम्पॉसिबल है, वो क्या वकार भाई ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ये सवाल है, जेन्युइन सवाल, अवाम की अवाम पूछ रही है, आम आदमी का सवाल है, आम आदमी का सवाल है, शोएब अख्तर का सवाल है। शोएब अख्तर या वकार यूनिस हिस्ट्री में बहुत कम आते हैं और मैं तो ढूंढ तो नहीं सकता, ये तो नेचुरल टैलेंट होता है और अगर मिलेंगे ज़रूर। ऑफ कोर्स अभी कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, जिनमें मूसा है, वो आपने भी देखा है, सबने देखा है, नाना ने भी देखा है, फिर आपके पास स्नैन है, बहुत सारा काम होने वाला, यंग है, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप समवन लाइक शोएब अख्तर और वसीम अकरम और कमोने। क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपके आने की वजह से, मुझे लग रहा है कि आप इस दफा को दो तीन ऐसे वो एक तगड़े फास्ट बॉलर मजेदार कोई आपकी तरह डराने वाले, अल्लाह करे ऐसा हो कि कोई मिल जाए आपको। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं और दूसरा वैसे भी देखना चाहिए, आई थिंक कई दफा हम लोग ना छोटे लेवल पर भी मिस कर जाते हैं। तो आई फील के यू नो अगर कोई ऐसा टैलेंट दिखेगा जिस पे काम हो सकता है और जो आगे प्रमोट किया जा सकता है, ऑफकोर्स उसको देखेंगे। आपसे भी यही सवाल है, पाकिस्तान टीम की फील्डिंग, पाकिस्तान टीम की जो भी कारकर्दगी रही वो सेट असाइड कर देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान टीम को बैक करते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान टीम बैक हो जाती है, मुश्किल टूर, और विकी भाई के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल पूछे क्या है, रेड बॉल के फास्ट बॉलर? नहीं, रेड बॉल के तो काफ़ी मुश्किल हो गए। आप अब्बास आपके पास है, हसन अली अगर आपका फिट है तो वो देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अर्से क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक। आपको नए शेबी आपको नए लड़के ग्रूम करने पड़ेंगे, ये याद रखिए। मैं हमेशा ही इवन जब मैं हेड कोच भी था तो मेरा हमेशा ये होता था कि आप ना नए टैलेंट को हमेशा अपॉर्चुनिटी दो। तो मेरे ख्याल में हाँ ये तो आपके पास हैं, अब्बास भी आपने देखा हुआ है, यू नो आपने हसन अली को भी देखा हुआ, आई थिंक वी माइट हैव टू लुक इन टू मूसा, वी माइट हैव टू लुक इन टू नसीम शाह इज अनदर टैलेंटेड किड। सो आई थिंक आगे जितनी भी क्रिकेट आ रही है, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट है और T20 क्रिकेट, मोहम्मद रियाज भी है, वन डे मोहम्मद रियाज है, तो इनको देखना पड़ेगा। आई थिंक नॉट ओनली वी शुड नॉट स्टिक टू सर्टन नेम्स के जी अच्छा ये अच्छे हैं, ऑफकोर्स उनकी ज़रूरत है, जैसे वहाब की मैं समझता हूँ या आमिर की अभी भी ज़रूरत है T20 क्रिकेट। क्या आप ये कह सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप आमिर से और वहाब से बात की जाए कि देखिए जी 45 दिन की क्रिकेट है, 45 दिन में आपको 25 दिन क्रिकेट खेलनी है, फिर हम आपको मैनेज करेंगे, रेस्ट देंगे, आप ये दो टेस्ट मैच खेलो ऑस्ट्रेलिया, ये हो सकता है? मेरा ख्याल है ये हो चुका है और उन्होंने मना कर दिया, सो आई थिंक दे वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि दे जस्ट डोंट वांट टू प्ले लॉन्गर वर्जन, सो यू नो स्टिक टू देम विद T20 और वन डे क्रिकेट, और उनका जितना भी एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो आने वाले फ्यूचर टूर्नामेंट्स में आज यूज करना चाहिए। सो एक सवाल मेरा भी बनता है, जहाँ पे हमें पता है कि हमें शॉर्टेज हो रही है फास्ट बॉलर की, यहाँ पे फैसलाबाद में T20 इवेंट हो रहा है, जो यंग बॉलर है लाइक मूसा खान आज नहीं खेले या उमर खान आज नहीं खेले, तो हम चाहेंगे कि यंग प्लेयर खेले जो कि फ्यूचर हो पाकिस्तान का, आप क्या समझते हैं? ना मेरा ख्याल तो ये है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में ना आपको दो U19 के लड़कों को कंपल्सरी करना चाहिए ताकि जो 11 में खेलें, ताकि आप उनको देख सकें, प्लस आप फिर जो भी जैसे नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि अगर आपने उनको 32 लड़कों में रखा है और इस तरह का टूर्नामेंट है, क्योंकि आप आगे जाएंगे ना, जब आप आगे जाएंगे PSL आ रहा है तो सारे लड़के तो खेल ही रहे होंगे, तो इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल में जितने लड़कों यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं मिली, कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो अभी मैच है, शायद आगे जाके मिले, कल मिसबाह उलग भी आ जाएंगे, और अगर डिस्कशन आपकी हो मिसबाह उलग जाए हमारी भी होती है, आप बिल्कुल आप कमेंट्री करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आप वॉलंटियरली यहाँ पे आए हैं जी, जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं क्यों यहाँ पे क्यों वॉलंटियरली आए, क्यों
अगर आप हमारे प्यार में, हम आपके प्यार में, ऑस्ट्रेलिया आपके साथ जाने को तैयार है किसी कैपेसिटी में भी। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू। ये थे हमारे वकार भाई। देखिए T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत जबरदस्त आज जो फील्ड चार है, बहुत अच्छी बॉलिंग यार, बहुत आला, बहुत आला, बहुत अच्छी बैटिंग की है। और आज अहमद शहजाद ने सोचा, बहुत ज्यादा बात इंटरनेशनल हो गया, लेकिन T20 अपना इवेंट है, तो अहमद शहजाद के बारे में क्या, आपने खुद भी बैटिंग देखी, शौक किया और उनकी टीम जीती है शाम को, बॉल बनने पर बेहतर आ रहा था, बेहतर आ रहा था, बिल्कुल यू थोड़ा पड़ गया। वहाँ रियाज अच्छा लगा, तीन ओवरों में तीन अच्छा, आखिरी तीन ओवर में अच्छा लगा, तेज बॉलिंग की, तेज बॉलिंग करने जाते विकेट लेते हो आप। बाकी रिजवान भी अच्छा खेला, डीप तक गया, लेकिन अभी मेरे ख्याल से थोड़े स्ट्रोक बढ़ाने पड़ेंगे सामने, अभी जो मार रहे हैं वो। लेकिन खुशदिल शाह को अगर देखे लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वो ज्यादा काम कहीं रह गया, ये केपी के हैं, केपी के हैं, और ये मैंने पहली बार देखा है। नहीं नहीं, ये खेल रहे हैं, ये PSL भी खेले हैं और वनडे कप में बहुत अच्छी शानदार इनिंग खेली है, सेंचुरीज की है इन्होंने। देखिए वकार भाई भी आए हैं, मिसबा भी आ जाएगा, तो इन लड़कों के चांस तो बनना चाहिए कि नहीं बनना, बिल्कुल बनना। ये था हमारा पाकिस्तान का नेशनल T20 कप, और मैं और राशिद भाई दोनों थोड़े से घर से थोड़े से तंग थे हम, तो हम कह रहे थे थोड़ी आउटिंग मिल जाए, फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में हम आ गए, हम गाड़ी चलाई, बड़े मजे की गाड़ी चलाई, और रास्ते में सलमान अली को सुनते हुए आए, और सलमान, हाँ सलमान अली जो हिंदुस्तान के बड़े अच्छे गायक है, बहुत अच्छे सिंगर है, उनको हम सुनते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सलमान, और बहुत सारा रोशन करें अपने मुल्क का नाम और अपने खानदान का नाम भी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात, उनको पसंद था नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद नुसरत फतेह खान का, उन्हीं का शहर है ये फैसलाबाद, ये उन्हीं का शहर जहाँ पे हम आए हैं। दिस इज शोएब अख्तर फ्रॉम फैसलाबाद एंड राशिद लतीफ। ये भाई तो इनके नाना का भी शहर है भाई जी, बताए भाई कहाँ से आए थे आप पहले? अब हम लोग आए हैं सुल्तानपुर यूपी, यूपी से कलकत्ता, कलकत्ता से ढाका, पार्टीशन आफ्टर पार्टीशन, उसके बाद कराची, कराची से फैसलाबाद, और यहाँ पे फैसलाबाद से सीधा गए कराची, और हम चले गए पंजाब। दिस इज शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल, कीप लविंग मी ऑल, थैंक यू वेरी मच। लुक गाइस, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु क्रिटिसाइज, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ट्राई टू से द लॉजिकल थिंग्स, और आप लोगों को पसंद आती है कि मैं ब्लंटली बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ लॉजिकल बात करने की। लेकिन जो एक बंदा जो इंजर्ड नहीं होता था, जिसको 24 घंटे इंजरी रहती थी, पूछो कौन? मैं तो समझ गया। ओह यार, ओए मैं क्या हुआ यार, मैं निकल निकला, मैं कहा तेरी पेस 120 है, तेरा निकल गया, ऐसे निकल सकता है अजहर महमूद? पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। फखर, इमाम, बाबर, ये आपका सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है, और मैंने कहा था ना आपसे फेंटा लग जाएगा। याद रखना, एक उंगली दूसरी की तरफ होती है, चार अपनी तरफ होती हैं, सो ये याद रखना। सो डोंट स्टॉप क्रिटिसाइज सानी मिर्जा, एंड प्लीज वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग टू यू, सोनाली बेंद्रे मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था, प्लीज स्टॉप दिस स्पेकुलेशन वंस फॉर ऑल, आई रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया। पूरी कौम खड़ी हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट था, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी, जब भी पाकिस्तान फंसा है, जब भी पाकिस्तान कहीं भी मुश्किल आता, अभी भी मुश्किल माशी हालात में फंसा हुआ है, तो ये हमारे जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो आप लोग हैं, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आज भी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। ये जो जगह है ना, ये भी बहुत ज्यादा पुरानी है और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे जो लोग हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बात क्या है, अब क्या करेगा बीसीसीआई, अब इनकी जो जितने दोस्तों को विराट कोहली ने फेवर दी थी और उनको प्लेयर बनाने में मदद की थी, और अच्छी नीयत से की थी कि केएल राहुल प्लेयर बन जाए, दिनेश कार्तिक बन जाए, सारे आ जाएं, पंट आ जाए, वो अब फेवर इन दोस्तों को नहीं मिलनी। ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं। मैं क्या, ये इन बेवकूफों को नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा कौन है? डेल स्टेन। मैं कहो भाई तू इस पेस से हमारे साथ खेल रहा होता, हमने सो भी नहीं करना था। मैं चाहता हूँ कि नई टीमें वर्ल्ड कप जीतें, उनकी क्रिकेट प्रमोट हो, इंग्लैंड में क्रिकेटर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जाए। शाहिद अफरीदी ने भी तो ये दो तीन दफ़ा होता ना, वर्ल्ड कप के बाद छोड़े हैं, अब इसके बाद छोड़े हैं, कहते मेरे कोई प्लान नहीं है, लेकिन लेट्स सी जी गेल के यूसुफ ने भी चार दफ़ा रिटायरमेंट दी है ना। आज मैं रिटायर हूँ, कल वापस आ जाए। मैं यूसी छोड़ दे यार।